हाँ भाई, वेलकम टू चिकन वर्ल्ड। देखिए, आज हम आपके लेकर आए हैं जीके स्पेशल वीडियो, और इसमें हम बात करेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की, जो टोटली किसके सिलेबस के अकॉर्डिंग है, आपके उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के। ठीक है, वीडियो को शुरू करने से पहले हम तीन क्वेश्चंस का जवाब देना जरूर चाहेंगे। एक क्वेश्चन रेगुलर बना हुआ कि सर, आपकी जो ये डेट है जेल वार्डन पुलिस की, ये कब तक है? तो याद रखिएगा, अभी तक जो है डेट क्लियर नहीं हुई है। इन्होंने हमने पूरी तरह से सारी तरह से हमने जानकारी जो है लाने की कोशिश करी, लेकिन ये बिल्कुल जवाब देने के लिए तैयार नहीं है कि क्या परीक्षा किस डेट को होने वाली है। तो लेकिन ये कंफर्म है कि ये परीक्षा जल्दी ही होने वाली है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के अंदर अभी प्रेजेंट टाइम में कोई भी बड़ी परीक्षा नहीं लगी है इसके अलावा। तो ये परीक्षा आपको बहुत जल्दी कराई जाएगी, ये चीज़ आपको याद रखना है। ठीक है, एक क्वेश्चन और बना हुआ कि क्या सर, यूपी पुलिस की वैकेंसी न्यू आने वाली है? तो देखिए, यूपी पुलिस में अभी पद तो बहुत खाली पड़े हैं, लेकिन वैकेंसी अभी तो है आपको दो ढाई महीना तो नहीं देखने को मिल सकती। क्यों नहीं देखने को मिल सकती? जब तक आपकी पुरानी वाली वैकेंसी पूरी क्लियर नहीं हो जाती, जो अभी चल रही है आपकी 49,000 वाली वैकेंसी, ये जब तक आगे प्रोसेस में नहीं बढ़ जाती, तब तक आपको न्यू वैकेंसी देखने को नहीं मिल सकती। तो अभी आपको दो तीन महीने का जो है रेस्ट करना ही पड़ेगा, इसके बाद ही आपको जो है न्यू वैकेंसी देखने को मिलेगी। और ये बात कन्फर्म है कि आपको न्यू वैकेंसी देखने को जरूर मिलेगी। एक बात और बनी हुई है कि यूपीएसआई की जो वैकेंसी है वो कब तक आएगी? तो देखिए, इसका जो है लगभग मसौदा सब कुछ तैयार हो चुका है। ये देखिए कब ये नोटिफिकेशन आउट कर देते हैं, क्योंकि ये वैकेंसी आपकी बहुत पहले ही आने वाली थी, लेकिन रोक ली गई थी आपकी लोकसभा चुनाव की वजह से। तो आप देखिए कब कितनी जल्दी है, जितनी भी जल्दी है जो आपकी वैकेंसी का जो न्यू वैकेंसी को आउट कर देते हैं, और आपको इसके जो है नोटिफिकेशन देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये तीनों क्वेश्चन थे और तीनों के जवाब थे। ठीक है, हम आगे जो भी अपडेट होगी हम आपको बता देंगे, उसके लिए आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। वीडियो का देखिए पहला ही क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इरावती भारत के किस पड़ोसी देश की प्रमुख नदी है? तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। याद रखिएगा, भारत के जितने भी पड़ोसी देश हैं यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिलते ही मिलते हैं, एक से दो या तीन क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इरावती भारत के किस पड़ोसी देश की प्रमुख नदी है? तो आपको याद रखना है म्यांमार। ठीक है, इरावती म्यांमार की प्रमुख नदी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वलित परवर का उदाहरण है? आईएमपी क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन बनता है। तो क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रेणी जो है वलित पर्वत का उदाहरण है? तो आपको याद रखना है हिमालय। हिमालय जो है ये वलित पर्वत का उदाहरण है। अरावली, नीलगिरी और सतपुड़ा ये वलित पर्वत का उदाहरण नहीं है, ये अपशिष्ट पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, लेकिन वलित पर्वत का उदाहरण क्या है? हिमालय है, और ये इन्हें नवीन पर्वत भी बोलते हैं। ये क्वेश्चन ही बनता है कि नवीन पर्वत का उदाहरण है, तो अगर हिमालय वहाँ पर, तो वहाँ पर आप ऑप्शन लगाएंगे हिमालय, क्योंकि हिमालय नवीन पर्वत है, और वलित पर्वत भी क्या है आपका? हिमालय है। अरावली, नीलगिरी, सतपुड़ा ये बहुत ही प्राचीन पहाड़ियां हैं, ये अपशिष्ट हो चुकी, यानी खत्म हो चुकी हैं एक तरह से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की आपके, निम्नलिखित में कौन सा महाद्वीप जो है द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि कौन सा महाद्वीप, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है? तो आपको याद रखना है ऑस्ट्रेलिया को क्या है, द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। ठीक है, फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में कौन सा सागर जो है महासागर तीन महाद्वीपों को स्पर्श करता है? बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आपको याद रखना है तीन महाद्वीपों को स्पर्श करने वाला जो सागर है आपका, ये कौन है? बेरिंग सागर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रेरी मृदा के लिए उपयुक्त फसल मानी जाती है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, क्या बोल रहे हैं? प्रेरी मृदा के लिए जो उपयुक्त फसल मानी जाती है, तो आपको याद रखना है मक्का। मक्का जो है ये प्रेरी मृदा के लिए उपयुक्त फसल मानी जाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस का जो है तटीय सीमा सर्वाधिक है, यानी किसकी तटीय सीमा सर्वाधिक होगी? देखिए सिंपल सी बात है, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह की जो है तटीय सीमा सर्वाधिक होगी, क्योंकि चारों तरफ से तो समुद्र से ही घिरा हुआ है, तो इसकी जो है तटीय सीमा सर्वाधिक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि निम्नलिखित में कौन सा भारतीय राज्य जो बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन बनता है, बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता, तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश जो है ये बांग्लादेश के साथ सीमा साझा नहीं करता। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि कौन सा भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, तो वहाँ पर आपका आंसर होगा त्रिपुरा। लेकिन अभी यहाँ पर क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि कौन सा भारतीय राज्य जो है बांग्लादेश का सीमा साझा नहीं करता है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारत का केंद्र शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली किस शासन के अधीन था? महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो याद रखिएगा दादर एवं नागर हवेली पुर्तगाल शासन के अधीन था।
ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि कंचनजंगा पर्वत किन दो देशों का हिस्सा है, तो आपको याद रखना है भारत और नेपाल, ये दोनों में ही ये इस पर्वत के हिस्से हैं, तो याद रखिएगा कंचनजंगा पर्वत क्षेत्र जो है भारत और नेपाल का हिस्सा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में नंगा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, आईएमपी क्वेश्चन, नंगा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, तो आपको याद रखना है सरामती जो है नंगा पर्वत की सर्वोच्च चोटी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बारा लचाला दर्रा स्थित है, आईएमपी क्वेश्चन, बहुत ही बार पूछा था ये क्वेश्चन कि बारा लचाला दर्रा किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो आपको पता होना चाहिए कि बारा लचाला दर्रा जो है ये आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत और नेपाल की संयुक्त परियोजना जिसको हम लोग क्या बोलते हैं फरक्का नदी जल परियोजना निम्नलिखित में किस नदी पर निर्मित है, तो ये क्वेश्चन देखिए आपका यूपीपी में पूछा भी गया था, एक क्वेश्चन इससे क्या बना था कि फरक्का जो नदी है ये किन दो देशों के मध्य संयुक्त परियोजना है, तो आपको याद रखना है भारत और नेपाल के बीच ये संयुक्त परियोजना है, ठीक है। अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहे हैं कि फरक्का नदी जल परियोजना किस नदी पर निर्मित है, तो आपको याद रखना है गंगा नदी पर ये आपकी निर्मित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि नासिक के निकट त्रियंबक गांव से निम्नलिखित में किस नदी का उद्गम क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है कि नासिक के निकट जो है त्रियंबक गांव से जो है गोदावरी नदी का उद्गम क्षेत्र है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में बादामी क्रांति का संबंध जो है किसके निर्यात को बढ़ावा देना है, आईएमपी क्वेश्चन है, बहुत बारी क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा इसमें डिस्टर्ब मत होइएगा कि बादामी लिखा है तो बादामी होगा, नहीं, बादामी क्रांति का संबंध जो है ये मसाले उत्पादन से है, यानी इनके निर्यात को बढ़ावा देने के लिए जो है बादामी क्रांति स्टार्ट करी गई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि सिंगरौली प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है, आईएमपी क्वेश्चन, कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है क्या बोल रहे हैं सिंगरौली प्रमुख कोयला उत्पादन क्षेत्र है, तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश का प्रमुख जो है उत्पादन क्षेत्र है यह सिंगरौली, ये कहाँ पड़ता है, ये आपका सोनभद्र ज़िले में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि आपका टनकपुर पनबिजली परियोजना है, यानी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा था ये क्वेश्चन भी, टनकपुर बिजली पनबिजली परियोजना जो है ये किस भारतीय राज्य की है, तो आपको याद रखना है ये उत्तराखंड की प्रमुख जो है पनबिजली परियोजना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं राउरकेला इस्पात संयंत्र किस भारतीय राज्य में स्थित है, तो आपको याद रखना है ये कहाँ पर स्थित है, ओडिशा में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि थारू जनजाति का प्रमुख क्षेत्र है, यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जा सकता था आपसे कि थारू जनजाति किस भारतीय राज्य में सर्वाधिक निवास करती है, तो आपको याद रखना है कि थारू जनजाति उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत में कौन सी जनजाति सर्वाधिक निवास करती है, देखिए अब बात करी जा रही है भारत की, क्या बोल रहे हैं कि भारत में कौन सी जनजाति जो है सर्वाधिक निवास करती है, तो आपको याद रखना गोंड, गोंड जनजाति है जो भारत में सर्वाधिक निवास करती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में किस पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं किस पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, तो आपको याद रखना है नीलगिरी पहाड़ी क्षेत्र में सर्वाधिक चंदन के वृक्ष पाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जिसको बोलते हैं हम लोग कंचनजंगा भारत के किस राज्य में स्थित है, आईएमपी क्वेश्चन, अभी ऊपर क्वेश्चन आपसे क्या पूछा गया था कि कंचनजंगा किन दो भारतीय राज्यों किन दो देशों का हिस्सा है, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं कि हिमालय का दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर क्या है, कंचनजंगा है, ये चीज़ आपको याद रखना है, और ये भारत के किस राज्य में स्थित है ये आपसे पूछा जा रहा है, ये कहाँ पर स्थित है, सिक्किम में स्थित है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका निम्नलिखित में प्रादीपी भारत की सर्वाधिक विस्तृत नदी कौन सी है, प्रादीपी भारत की सर्वाधिक विस्तृत नदी कौन सी है, तो आपको याद रखना है गोदावरी प्रादीपी भारत की सर्वाधिक विस्तृत नदी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में किस भारतीय राज्य में लगभग जनजातियों की संख्या शून्य है, यानी जनजातियाँ नहीं पाई जाती, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बताइए, तो आपको याद रखना है कि आपका हरियाणा है जहाँ पर जनजाति की संख्या क्या है, शून्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत के किस राज्य में चांदी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, चांदी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, तो आपको याद रखना है राजस्थान में जो है चांदी का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है, ठीक है।
फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि सन 1857 की क्रांति में राज हड़प नीति की प्रमुख भूमिका थी, यह नीति किसकी देन थी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, राज हड़प नीति किसकी देन थी, बहुत ही बारीक क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है किसकी देन थी, ये लॉर्ड डलहौजी की, ठीक है, लॉर्ड डलहौजी की देन थी राज हड़प नीति। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से 1857 की क्रांति में भाग लेने वाले प्रमुख विद्रोही नेता एवं उनका नेतृत्व स्थान दिया जा रहा है, इनमें से उसका चयन करें जो उचित मेल ना खाता हो। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है कि जो मेल ना खा रहा हो उसका आपको चयन करना है। तो देखिए, विद्रोही नेता जो थे आपके, जहां इन्होंने क्या किया था, इस जगह से क्या किया था, अपना नेतृत्व किया था, तो कानपुर से तात्या टोपे एवं नाना साहब जी ने किया था, बिल्कुल ठीक है। तो लखनऊ से बेगम हजरत महल जी ने किया था, तो बिल्कुल ठीक है। और फैजाबाद, जिसको अब प्रेजेंट टाइम में अयोध्या के नाम से जाना जा रहा है, तो ये इसका किसने किया था, मौलवी अहमदुल्ला, तो ये भी आपका ठीक है। तो लास्ट वाला क्या, इलाहाबाद यानी प्रयागराज जो प्रेजेंट टाइम में खान बहादुर, क्या ये आपका ठीक है, नहीं गलत है, क्योंकि खान बहादुर ने इलाहाबाद से जो है नेतृत्व नहीं किया था, खान बहादुर ने नेतृत्व किया था बरेली से। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है, याद रखिएगा, खान बहादुर ने बरेली से नेतृत्व किया था, लियाकत अली ने जो है इलाहाबाद से जो है आपका नेतृत्व किया था, तो ये यहाँ पर क्या है, गलत मेल खा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में दीन बंधु मित्र का प्रमुख नाटक क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, क्या बोल रहे हैं, निम्नलिखित में से दीन बंधु मित्र का प्रमुख नाटक क्या है, तो आपको याद रखना है नील दर्पण दीन बंधु का प्रमुख नाटक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वदेशी एवं स्वराज की मांग रखने वाले प्रमुख क्रांतिकारी नेता थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बताइए, तो यार का उपयुक्त सभी, क्योंकि इन तीनों ने ही क्या रखा था, स्वदेशी और स्वराज की मांग करी थी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में से सभी गोल में सम्मेलनों में भाग लेने वाले थे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है सभी गोल में सम्मेलन में भाग लेने वाले थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार पूछा जाता है उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ नामक कृति किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको याद रखना है महात्मा गांधी जी के द्वारा ये कृति लिखी गई है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इंडियन मिरर नामक प्रसिद्ध कृति किसके द्वारा लिखी गई। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये भी, इंडियन मिरर नामक प्रसिद्ध कृति किसके द्वारा लिखी गई, तो आपको याद रखना है देवेंद्र नाथ टैगोर जी द्वारा इंडियन मिरर नामक प्रसिद्ध कृति लिखी गई। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो उचित मेल ना खाता हो। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा, यहाँ पर जो चारों क्वेश्चन है बहुत ही महत्वपूर्ण है, चारों ही आप याद रखिएगा। निम्नलिखित में उसका चयन करें जो उचित मेल ना खाता हो, अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय, बिल्कुल ठीक है ये तो, हरिजन पत्र महात्मा गांधी जी का था, बिल्कुल ठीक है, भारत में अंग्रेजी शासन राज्य यानी अंग्रेजी राज्य, तो ये भी बिल्कुल ठीक है, सुंदरलाल जी का था, नेशन महात्मा गांधी का नहीं था, ये गलत है, क्योंकि नेशन किसका था, गोपाल कृष्ण गोखले का। ठीक है, तो यहाँ पर ये गलत है, इसको याद रखिएगा, नेशन किसकी रचना है, बहुत बार पूछा जाता है, तो आपको रखना है गोपाल कृष्ण गोखले की है, और बाकी ऊपर तीनों बिल्कुल ठीक है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि भारत भारती किसकी प्रसिद्ध रचना है। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है कि भारत भारती रचना है मैथिली शरण गुप्त की। अगर आपसे पूछा जाता है कि भारत दुर्दशा किसकी रचना है, तो वहाँ पर बात आती है भारतेंदु हरिचंद जी की, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है, भारत भारती किसकी प्रसिद्ध रचना है, तो आपको याद रखना है मैथिली शरण गुप्त की। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम की वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म जो स्थली वो कौन सी है। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपको याद रखना है वीरांगना महारानी लक्ष्मीबाई जी का जन्म स्थली जो है वो है उत्तर प्रदेश का वाराणसी। और अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि ये महारानी कहाँ की थी, तो वो थी झांसी की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि इनका लालन पालन कहाँ हुआ, यानी इनका बचपन कहाँ बीता, तो वो करेक्ट होगा आपका कानपुर। ठीक है, तीनों ही क्वेश्चन याद रखिए, क्योंकि पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्या कि मंगल पांडे किस इन्फेंट्री के सिपाही थे। यूपी मंडी परिषद एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपको याद रखना है बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सिपाही थे मंगल पांडे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में प्रार्थना समाज संस्था से संबंधित हैं, तो आपको रखना है ए व बी, यानी महादेव रनाडे और आत्मा राम पांडुरंग, ये दोनों ही किससे संबंधित है, प्रार्थना समाज से संबंधित हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि निम्नलिखित में उचित मिलान वाले का चयन करें, आईएमपी क्वेश्चन, बताइए, तो आपको यहाँ भी याद रखना है उपयुक्त सभी, क्योंकि इंडियन स्ट्रगल सुभाष चंद्र बोस जी का है, बिल्कुल ठीक है, महा
अमृत बाजार पत्रिका, शिशिर कुमार घोष जी की, ये भी बिल्कुल ठीक है। संवाद कॉमेडी बहुत पूछी जाती है, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय जी की रचना है, तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो आपको याद रख कर चलने हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका है कि निम्नलिखित में उसका चयन करें जो उचित मेल ना खाता हो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन, यहाँ भी देख लीजिएगा सभी को अच्छे से याद रखिएगा क्योंकि यहाँ क्वेश्चन बनते हैं। इंडियन सोसाइटी तो यार रखिएगा आनंद मोहन बोस, बिल्कुल ठीक है। सत्यशोधक समाज ज्योतिबा फूले जी, बिल्कुल ठीक है। और आपका फॉरवर्ड ब्लॉक महात्मा गांधी, ये गलत है, ठीक है। फिर आपका आज़ाद हिंद फौज सुभाष चंद्र बोस जी, ये भी बिल्कुल ठीक है। याद रखिएगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक जो है आपकी मेल किसे खाएगा, आपकी महात्मा गांधी से नहीं खाएगा ये, क्योंकि खाएगा सुभाष चंद्र बोस जी से, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि रामचंद्र पांडुरंग निम्नलिखित में किस का वास्तविक नाम था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, बताइए रामचंद्र पांडुरंग निम्नलिखित में किसका जो था वास्तविक नाम था। कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, तो यार क्या तात्या टोपे का ये वास्तविक नाम था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती कहा था, किसने कहा था गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, तो यार कहेगा लॉर्ड लिन निधंगो ने कहा था महात्मा गांधी जी के आंदोलन को राजनीतिक फिरौती, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कि हिंदुस्तान पत्र के संपादक कौन थे, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आपका रखना मदन मोहन मालवी जी थे आपके हिंदुस्तान पत्र के संपादक, ठीक है। नेक्स्ट क्या कि प्रिंसेस ऑफ जीजस कृति किसके द्वारा लिखी गई है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, तो आपको याद रखना है राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जो है किस वर्ष मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन भी पूछा जा चुका है, तो आपको याद रखना है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को मरणोपरांत इनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था 1990 में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि भारत के जो है किस उच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या सर्वाधिक है, तो आपको याद रखना है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सर्वाधिक न्यायाधीश होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आपका कि विदेशी वस्त्रों की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है, यह कथन किसका है, तो याद रखिएगा महात्मा गांधी जी का। तो ये थे आपके बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जीके के, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे, वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा, अगर आए तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, पढ़ाई करते रहिए क्योंकि इसका एग्जाम भी आपको जल्दी देखने को मिलेगा। ओके थैंक यू।